के तुर्भे में अयोध्या के श्री रामलला मंदिर की प्रतिकृति के बीच गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना है। अंकुश वैती के नेतृत्व में शिवछाया मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव में यहां भगवान श्री राम के साथ रामलला मंदिर की प्रतिकृति उभारी गई है। आज यहां शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने भेंट दिया और रामलला मंदिर में विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन किए। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह अयोध्या का श्री रामलला मंदिर है, जहां बाहर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अंदर मंगल मूर्ति श्री गणेश विराजित हैं। शिवछाया मित्र मंडल का यह गणेशोत्सव श्री रामलला के इसी मनमोहक मंदिर और सजावट के लिए भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना है। उत्सव प्रांगण में आयोजित महामेला गणेश भक्तों के लिए दूसरा बड़ा आकर्षण। आज शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने रामा सेठ बाघमारे और कमलेश वर्मा समेत कई पदाधिकारियों के साथ यहां भेंट दिया और विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन का लाभ लिया। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उपनेता विजय नाहटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। शिवछाया मित्र मंडळाच्या वतीने राम मंदिराचा देखावा उभा करण्यात आलेला आहे। या मंडळाचे करते धरते आमचे मित्र सन्माननीय वैती साहेब अनेक वर्ष अतिशय मोठ्या प्रमाणावर गणेशोत्सव साजरा करतात। जागेची अडचण आली होती, पहिल्यांदाच या ठिकाणी त्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन या ठिकाणी गणपती बसवलेला आहे। सर्वप्रथम त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि प्रत्येक वर्षी समाजाचं प्रबोधन करणारं, समाजाचं मनोरंजन करणारं उपक्रम त्यांच्याकडून केला जातो आणि आपण पाहत आहात की हजारोच्या संख्येने भाविक हे जे त्यांनी राम मंदिराचा देखावा अयोध्येच्या या ठिकाणी केलेला आहे तो पाहण्यासाठी येत आहेत। अतिशय नेटकी अशा प्रकारची कलाकुसर प्रचंड मेहनत घेऊन या ठिकाणी केली, त्याच्याबद्दल त्यांचं आणि त्यांच्या सर्व टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। बताना जरूरी है कि शिवछाया मित्र मंडल तुर्भे क्षेत्र में 52 वर्षों से गणेशोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। मंडल के अध्यक्ष अंकुश वैती ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों से मुक्ति के बाद इस बार का गणेशोत्सव खास रहे, इसलिए यहां रामलला मंदिर की विशेष प्रतिकृति उभारी गई ताकि गणेश भक्तों की भक्ति भावना और प्रगाढ़ हो सके। यह उत्सव वाला 9वां दिवस असताना बरेचसे मान्यवर या ठिकाणी भेट देऊन गेलेले आहेत। त्याच्यामध्ये बावनकुळे असतील, सिडको MD असतील, CP साहेब आहेत, आत्ताच विजय नाहटा साहेब येऊन गेले, हे अनेक मान्यवर या ठिकाणी भेट देऊन गेले आहेत। हजारोच्या संख्येने भाविकांनी यावर्षी नवमीच्या राजाला भेट दिलेली आहे आणि असंख्य असा उत्साहात भव्य दिव्य स्वरूपात हा श्री राम मंदिर या ठिकाणी उभारलेला आहे आणि त्याचा दर्शनाचा लाभ सर्व भाविक घेत आहेत, याचा आनंद वाटतो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।